कक्षा 11वीं में आज हम गृह विज्ञान विषय में पाठ 10 पढ़ेंगे, वस्त्रों का चुनाव। वस्त्रों का चुनाव कैसे होता है या हमें कैसे करना चाहिए? वस्त्र हमारे जीवन में, हमें शरीर ढकने के लिए वस्त्रों का चुनाव होना बहुत आवश्यक है, शरीर है ना, हमारे शरीर को ढकने के लिए वस्त्र उपयोगी रहते हैं। जैसे प्राचीन युग में वस्त्रों का ज्ञान नहीं था, कैसे उपयोग करते थे, सभ्यता के विकास ने उन्हें उपयोग करना सिखाया। किसने सिखाया? सभ्यता के विकास ने हमें तन ढकने ढांकने का ज्ञान कराया। वस्त्र मनुष्य की सभ्यता का परिचायक है, वेशभूषा, संस्कृति आदि ये सब का प्रतीक है। सभ्यता, वेशभूषा, संस्कृति का प्रतीक है। वस्त्रों का चुनाव करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र किस प्रकार के होना चाहिए, जिससे हमें व्यक्तित्व और भाग्यशाली का, प्रभावशाली कपड़ों का पता चले कि हम वस्त्र पहनकर अच्छे दिख रहे हैं। अब है वस्त्र चयन के उद्देश्य, वस्त्र कैसे चयन किए जाते हैं। जैसे है सभ्य समाज में विचरण हेतु शरीर या वस्त्र से ढका रहना हमें आवश्यक है। वस्त्र खरीदते समय ध्यान रखें कि वे मौसम के अनुसार हों। मौसम से तात्पर्य है शरीर की रक्षा हेतु, जैसे गर्मी में कैसे वस्त्र पहनना चाहिए, ठंड में कैसे पहनना चाहिए और बारिश में। तो ऐसे ही है, शीतकालीन मौसम में त्वचा खुरदरी सी हो जाती है, इसलिए हमें गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता होती, तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं। फिर बारिश आती है तो हमें शरीर ढकने के लिए रासायनिक से बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, गर्मी में कॉटन कपड़ों का। अब है वस्त्र पैरों की सुरक्षा हेतु, जैसे शरीर ढकने के लिए तो हमने ले लिए, लेकिन फिर अब है सिर के ढकना चाहिए। जैसे सर्दी में हमें सिर ढकने के लिए आवश्यकता होती है मफलर अपनी, कान ढकने के वस्त्र आदि, ये सब होना चाहिए। वस्त्र मौसम के अनुसार होंगे चाहिए। फिर रेशमी वस्त्र, ये भी वस्त्र हम शीतकालीन में, शीत ऋतु में पहन सकते, ठंड में पहन सकते, ये भी अच्छे उपयुक्त तो होते हैं। बारिश में हम वर्षा काल में रासायनिक तंतु से बने हुए वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बरसाती छाता आदि। से ग्रीष्म काल में सूती वस्त्रों का उपयोग होता, कैसे वस्त्रों का? सूती कॉटन, हल्के हों और पसीना उससे सोखने के गुण हों उसमें, ऐसे वस्त्रों को हम चुनते हैं। आसानी से ये धुल जाते हैं और शरीर की गर्मी को भी बाहर निकाल देते हैं। गर्मी में हमें कॉटन के वस्त्रों की आवश्यकता होती है। फिर वस्त्र खरीदने के नियम क्या है? वस्त्र खरीदते समय हमें ये देखना है कि हम कौन-कौन से नियम देख सकते हैं। जैसे उद्देश्य की पूर्ति हेतु घर में पहनने वाले वस्त्र या उपयोग वाले, दैनिक उपयोग में आने वाले वस्त्र, जैसे हम घर में पहनने के लिए खरीदते हैं ना कुछ वस्त्र, कुछ वस्त्र पार्टी के लिए खरीदते हैं, कुछ कोई फंक्शन ऐसा कोई कार्यक्रम हो, शादी विवाह हो, उसके लिए भी हम खरीदते हैं। वह यह है, यानी इसका उद्देश्य होना चाहिए कि हम किसके लिए उपयोग करने के लिए खरीद रहे हैं। फिर है आर्थिक सामर्थ्य। आर्थिक सामर्थ्य में, सामर्थ्य में होता है कि परिवार की आय के अनुसार कितनी आय के है, कि हम बहुत महंगे खरीद रहे हैं वस्त्र कि हम बहुत छोटे, यानी जितनी हमारी चादर उतने हम पैर फैलाते हैं। इसमें यही बताया गया कि परिवार की आय के अनुसार ही हम वस्त्रों का चुनाव करते हैं या खरीदते हैं। अब है आयु के अनुसार, आयु के अनुसार, आयु में हम ये देखते हैं कि सदस्यों की किस उम्र के हैं, छोटे बच्चे हैं कि बड़े हैं या वृद्ध हैं, इसके अनुसार हम वस्त्र खरीदते हैं आयु के अनुसार। फिर है रंग का चुनाव, रंग के चुनाव ऋतु के अनुसार, जैसे ठंड में या बारिश में हम थोड़े से भड़कीले कलर पहनते हैं, है ना बच्चों? फिर और
आवश्यकता है ऋतु के अनुसार, ग्रीष्म ठंड ऋतु में या वर्षा ऋतु में कैसे वस्त्र होने चाहिए? तंतु के अनुसार, धोने में सुविधा हो ऐसे वस्त्र होने चाहिए, रंग रंग के पक्के अच्छे होने चाहिए, बुनावट मुलायम या चिकने होना चाहिए बस, पोशाक तंग या ढीली ना हो, है ना, जैसे एकदम टाइट होना, इसको क्या बोलेंगे, टाइट कपड़े। टाइट कपड़े देखने में अच्छे नहीं लगते, थोड़े से ढीले होना चाहिए या थोड़ा मार्जिन छोड़ना चाहिए। और समय का ध्यान देना चाहिए, समय के अनुकूल में खेलने वाले, कभी कभी पहनने वाले, जैसे खेलने वाले वस्त्र अलग होते हैं, लोवर हुआ टी शर्ट हुआ इस टाइप से, दौड़ने भागने वाले, कभी कभी पहनने वाले, अरे जैसे शादी पार्टी वाले। अब है वस्त्रों की देखभाल, वस्त्रों की देखभाल के लिए क्या करना होता है? वस्त्र तो हम सभी छोटे बड़े घरों में सभी जे पहनते हैं, जितने सदस्य सभी उपयोग करते हैं, परंतु इसमें एक इसमें यह है कि देखभाल और सुरक्षा कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी आती है गृहिणी पर। फिर वस्त्रों की उचित देखभाल ना की जाए तो उनका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। वस्त्रों की देखभाल यह सावधानी ना की जाए तो, जैसे ऋतु के अनुसार अलग अलग होना चाहिए वस्त्रों को रखने का स्थान, वस्त्र कट फट जाने पर मरम्मत कर देनी चाहिए। पुरुषों के वस्त्र को सूट कोट पैंट शर्ट हैं, उन्हें ड्राई क्लीन कराकर अच्छे से रखना चाहिए, समय समय पर उन्हीं कपड़ों को धूप दिखा देना चाहिए, धुलवा कर ड्राई क्लीन कराकर रखने चाहिए। टावल या नेपकिन चादर मच्छरदानी आदि को हम अलग अलग पहनने वालों कपड़ों से अलग रखते हैं, सावधानियां रखनी चाहिए। वस्त्रों और बिस्तरों की बिस्तर की जंतु रहित करना, यानी उनको अच्छे से रखना कि उसमें कीड़े ना लगे, उबालना, धूप में सुखाना, डीडीटी छिड़कना, नेफ्थलीन की गोलियां डालना, यथास्थान रखना। जैसे उबालने से मतलब है जैसे हम गर्म पानी में उबाल के बढ़िया धोए, धूप में सुखाकर अच्छे से वस्त्रों को अंदर रख दे, धूप में सुखाना, इसको धूप दिखाना, रोशनी में रखना, धूप की रोशनी में सुखा, डीडीटी छिड़कना, आजकल डीडीटी पाउडर आता है जो, उसको भी हम छिड़क देते हैं कपड़ों में। नेप्थिलीन की गोली, कुनेन की गोली बोला जाता है, इनसे भी कपड़ों में कोई कीड़े या गंदी वास नहीं आती। यथास्थान रखना, यानी जो भी कपड़े इधर उधर पड़े हैं उनको एक स्थान होना चाहिए रखने का। पुराने वस्त्रों की देखभाल, पुराने कपड़े से नए कपड़े के डिजाइन भी हम बना सकते हैं, कई कपड़ों को जोड़ के, तीन चार प्रकार के कपड़ों को जोड़ के हम एक चादर बना सकते हैं, जैसे हम पिलो कवर भी बना सकते हैं, ऐसे पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। घर में राशन सब्जी आदि लाने के लिए थैली का, मजबूत थैली का होना आवश्यक है। फिर घर की लड़कियों के स्कर्ट से हम खोल बना सकते हैं, खोल को भी काम में ला सकते हैं, जैसे चाहे रजाई की खोल बना ली, गद्दे की खोल आदि। घर में काम करने वाली गरीब अपंग को भी हम पुराने वस्त्र देकर उन कपड़ों का सदुपयोग कर सकते हैं। अब है आपका बच्चों गृह कार्य, आज के लिए आपका गृह कार्य है वस्त्र खरीदी के उद्देश्य लिखिए। शीत ऋतु में किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए, बिस्तर में किस तरह के जंतु रहित रखें, उनको कैसे जंतु रहित से बचा सके या रखें। फिर प्रश्न चार, वस्त्रों का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पुराने वस्त्रों के उपयोग के बारे में लिखिए। ये सब आपको कॉपी में गृह कार्य आपका करना है।